प्यारे बच्चों नमस्कार मेरा नाम है शिव कुमार यादव और आप सबका सी डी लर्निंग चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है 26 जनवरी रिपब्लिक डे पर अगर आप मंच पर कोई स्पीच देना चाहते हैं वो भी इंग्लिश में तो मैंने आज आपके लिए बहुत ही शानदार और शॉर्ट स्पीच तैयार किया है रिपब्लिक डे पर आप इतना स्पीच याद कर लीजिए इसे तीन चार बार रिवाइज़ कर लीजिए और आप मंच पर जाकर ये बोलिए तो वहाँ पर इस स्पीच को काफ़ी सराहना मिलेगी संबोधन आप सभी लोग जानते ही होंगे कि आ, वो आप कर ही लेंगे मैंने केवल स्पीच तैयार किया है तो आइए आप हमारे स्पीच को देखिए और फिर इसे अपने कॉपी में नोट करके याद कर लीजिए ठीक है तो चलिए हम लोग स्पीच अब स्टार्ट करते हैं तो ध्यान दीजिए आपको सबसे पहले बोलना है स्पीच में मैंने जो लिखा है इट इज सेलिब्रेटेड ऑन ट्वेंटी ऑफ जनवरी इट इज सेलिब्रेटेड ऑन द ट्वेंटी सिक्स ऑफ जनवरी इंडिया एडॉप्टेड इट्स कॉन्स्टिट्यूशन ऑन दिस डे फिर आपको बोलना है ऑन दिस डे वी आर वंस अगेन रिमाइंडिंग रिमाइंडेड ऑफ़ आवर राइट्स एंड ड्यूटीज टूवर्ड्स आवर पीपल एंड कंट्री अगर आप इसका हिंदी अर्थ चाहते हैं तो मैं इसका हिंदी भी बता देता हूँ इट इज़ सेलिब्रेटेड ऑन द ट्वेंटी ऑफ जनवरी मतलब यह छब्बीस जनवरी को मनाया जाता है इंडिया अडोप्टिड इट्स कॉन्स्टिट्यूशन ऑन दिस डे मतलब भारत ने इस दिन इस दिन अपना संविधान लागू किया ऑन रिपब्लिक डे मतलब गणतंत्र दिवस पर We are once again reminded, अर्थात एक बार हम, हम एक बार फिर रिमाइंडेड का मतलब याद करते हैं आवर राइट्स अपने कर्तव्यों एंड राइट्स मतलब अधिकारों एंड ड्यूटीज़ अपने कर्तव्यों का towards आवर पीपल मतलब लोगों के प्रति एंड कंट्री देश के प्रति आगे लिखा है फ्लैग व्हास्टिंग नेशनल एंथम मतलब फ्लैग वाइसटिंग का मतलब झंडा फहराया जाता है नेशनल एंथम का मतलब कि राष्ट्रगान गाया जाता है परेड्स का मतलब कि परेड होते हैं कलरफुल कल्चरल प्रोग्राम्स का मतलब रंगीन सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं आर आल्सो हेल्ड हेल्ड मतलब कि आयोजित होते हैं थ्रू आउट द कंट्री मतलब पूरे देश में तो इस तरह से एक छोटा सा स्पीच आप तैयार करिए और लास्ट में बोलिए इट्स आल अबाउट रिपब्लिक डे थैंक यू सो मच जय हिंद वन्य मातरम